गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने जा रहा हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेटर या एसी में गैस की कंडीशन को दिखाती है कि गैस कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट से गुजरती हुई जाती है। तो हम उसको डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल में गैस अपना काम करती है। हाँ तो गाइस, ये देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम है। इसके अंदर पांच कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर, एवापरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और ड्रायर। अब जब हम अपना फ्रिज या एसी स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, स्लाइटली सुपर हीटेड वेपर कंप्रेसर में एंटर हो जाते हैं। ये इस वजह से एंटर होते हैं कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। जब ये कंप्रेस करता है, इधर से ये वैक्यूम क्रिएट होता है, इधर से ये गैस के प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ाकर इसकी कंडीशन कर देता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर। अब ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर में, कंडेंसर लाइन के थ्रू इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये आगे चलकर इसके प्रेशर को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके टेम्परेचर को एयर के द्वारा या फैन के द्वारा कम कर देता है। तो इस जगह पर आकर इसके प्रेशर तो हाई रहता है, जैसे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर प्लस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पर आकर ड्रायर में चला जाता है। ड्रायर में क्या काम करता है, एंटी मॉइस्चर का काम करता है। जैसे हमारे सिस्टम में कोई भी मॉइस्चर आ जाता है तो इसको ये रिमूव करता है ड्रायर। उसके बाद ये लिक्विड लाइन के थ्रू यहाँ पर आकर एक्सपेंशन वाल्व के यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन क्या रहती है कि प्रेशर हाई रहता है, लो टेम्परेचर होता है, लिक्विड होता है। अब यहाँ पर ये आकर एक्सपेंशन वाल्व में चला जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर बहुत ही बारीक स्मॉल ओरिफिक होता है। स्मॉल ओरिफिक होने की वजह से यहाँ पर सडन एक्सपेंशन होती है, वाइडर स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने की वजह से यहाँ पर ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, वेपर प्लस लिक्विड में ही आ जाता है यहाँ पर। अब ये आगे जाकर यहाँ पर क्या होता है इसके में, जैसे हम अपने फ्रीजर में या कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें उससे ये लेटेंट हीट लेता है। लेटेंट हीट लेने की वजह से इसकी क्या कंडीशन हो जाती है कि ये पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, स्लाइटली सुपर हीटेड वेपर, फिर से ये उस कंडीशन में आकर फिर दोबारा ये कंप्रेसर में एंटर कर देता है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो गाइस, देखा आपने किस तरीके से फ्रिज या एसी में गैस किन किन पार्ट से होती हुई गुजरती है और किस तरह से अपना काम करती है। तो ये नॉलेज आप खुद भी लें और दूसरों को भी दें, और फिर हम दोबारा एक नया वीडियो मज़ेदार आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, गुड बाय।